जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं वक्री शनि के बारे में। पत्रिका में जब शनि वक्री होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं सब जातकों को, सब जातिकाओं को, और कौन कौन से घरों में शनि बैठ के जब वक्री होते हैं और सारे घरों में जो है, उसके लिए अलग एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिएगा जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल कृपा करके अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा सब्सक्राइब के साथ साथ। और किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, अपने जीवन के किसी भी एरिया से संबंधित, चाहे वो परिवार हो, आपका शादी हो, चाहे वो आपकी संतान हो, हेल्थ हो, सर्विस हो, अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं आराम से, आनंद से, स्पिरिचुअल वे से, कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे, इन्हीं ईमेल पे आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वक्री शनि जब पत्रिका में होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं तो देखते हैं हम लोग। देखिए, किसी ना किसी प्रकार का इन लोगों का अथॉरिटी से, सीनियर्स से थोड़ा तालमेल कम बन पाता है। ऐसा कहा जाता है जब वक्री शनि होते हैं तो किसी प्रकार का पहले लाइफ में जो है, जिनकी भी पत्रिका में शनि वक्री बैठे हैं, वो पहले की लाइफ में बहुत ज़्यादा सिविली अब्यूज्ड किए गए हैं, किसी के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, या उन्होंने किसी को प्रताड़ित किया है या पावर को मिसयूज़ किया है। अब यहाँ पे जो शनि हैं वो वक्री बन के उनको प्राप्त हुए हैं, जिससे अब अपनी वो जो हैं आदत सुधार सकें जो उन्होंने गलतियां करी थी। मतलब अथॉरिटीज़ के साथ भी सही से पेश आए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप काम करते हों, जो आपके सीनियर्स हों, उनको भी अपने कर्तव्यों का आपको भान करवाना, उन लोगों को मालूमात कराना, लेट देम नो कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन एक मैच्योर तरीके से, एक समझदारी और ज्ञान भरे तरीके से आपको उन्हें बताना चाहिए, नहीं तो चीज़ें फिर बिगड़ जाएंगी। और जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, नीचे काम कर रहे हैं, उनको हर प्रकार का आपको असिस्टेंट देना, हर प्रकार का आपको जो उन लोगों को साथ देना, उन लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, ये आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब शनि वक्री होता है। ये पहले की लाइफ से आपको ये लाइफ में जब आए हैं तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपको काम करना है कि लोगों के साथ आपको कैसे समन्वय बना के रखना है। लिमिटेशंस जानिए कि किस हद तक आप लोगों को पुश करें जहाँ पे सीमाएं ना टूट जाएं। जब वक्री शनि होता है तो कई बार इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि काम कहाँ रोकना है, कई बार लोगों के अंदर ये नहीं समझ होती है। जब शनि वक्री होते हैं पत्रिका में तब ये कई बार नहीं पता चलता है कि क्या काम करना है, ये भी चीज़ हो जाती है। कभी सबकी मदद करते हुए नज़र आते हैं, सब कुछ सबके लिए करना चाहते हैं, कभी किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। कई बार अपने जीवन में रिस्क लेने में ये लोग बहुत ज़्यादा जो है घबराते हैं, चांसेस लेने में, रिस्क लेने में, क्योंकि कुछ थोड़ी सी चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ भी होती हैं इन लोगों के अंदर, जो कि एक बच्चा डरता है कुछ काम करने से, आगे बढ़ने से, तो कहीं से कहीं ना कहीं भय खाते हैं, क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस ना होना, ये सारी चीज़ें इन लोगों में देखी जाती हैं। ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ, स्पिरिचुअल लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ इनका तालमेल ज़रा अच्छा बैठ जाता है, बाकियों के साथ इनको तालमेल बैठाने में थोड़ी मुश्किल महसूस होती है। तो कुछ इनके अंदर जो है भय की प्रवृत्ति अवश्य होती है, वो जीतना इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में, फिर तो ये वंडर्स कर सकते हैं, फिर बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। शायद यही सीखना भी रहता है इन लोगों के, कि अपने मन के अंदर के जो कॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को जो है किसी तरीके से
बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, जो गलत हो रहा है, कोई किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनकी वजह से अपने अंदर किसी प्रकार के भय, डर, फोबियाज ना उत्पन्न कर ले, नहीं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, लोगों के सामने आप जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो लेकिन अगर ये लोग रिस्क लेते हैं, चांसेस लेते हैं, सीखते हैं चीज़ों से, अपने किए हुए पास्ट के जो कर्म हैं उसके द्वारा ही सीखते हैं अगर, तो ये लोग बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं हर प्रकार से। शॉर्टकट किसी भी चीज़ के लिए इन लोगों के लिए, जब वक्री शनि हो, बिल्कुल मनाही है, कभी भी मत करना, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। डिटेल प्रोजेक्ट्स, डिटेल में काम करना, डिसिप्लिन में काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काम करना, इन लोगों को वही चीज़ देखिए भाता है। हर प्रकार की इन लोगों को सफलता तब प्राप्त होगी जीवन में जब शनि पत्रिका में वक्री हो। तो एक बात याद रखिए, जब पेशेंस हो, हार्ड वर्क हो, हर प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिली है उसको जिम्मेदारी से, मतलब पूरा करने की आपके अंदर क्षमता हो, तभी देखिए जो वक्री शनि वाला है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है। होता सब कुछ है उनके अंदर, हर प्रकार की पास्ट नॉलेज उनके पास है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से ये लोग स्पिरिचुअल होते ही होते हैं, जिनकी भी पत्रिका में शनि वक्री होते हैं, तो उस वाले एंगल से भी काफ़ी इनके अंदर विजडम, समझदारी, ज्ञान सब कुछ होता है, अब उसको बाहर निकालना होता है। तो ये यूँ कह सकता हूँ कि जो भी काम करे रिस्पॉन्सिबिलिटी से करे, हार्डवर्क से करे, जो कि एक एक्सपीरियंस हम लोगों को वैसे भी जनरली सिखाता है, और कामों के लिए कॉन्फिडेंट रहें, अपना आगे बढ़ के काम करें, जो इन लोगों को काम करने हैं वो इन लोगों के लिए, अगर वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद चीज़ रहती है। अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कई मामलों में, अपने आप को सेल्फ डाउट करते रहते हैं कि भाई हम लोग किसी काम के लायक हैं भी कि नहीं है, हम लोग वर्दी हैं भी हैं कि नहीं है, अपने आप को वर्थलेस समझते रहते हैं। इन लोगों को ये भी लगता है कि कोई चीज़ इनको शॉक नहीं कर सकती है, ये शॉक प्रूफ है एक तरीके से, और बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं, तो ज़्यादा जल्दी लोगों से मिल नहीं पाते हैं, एक तरीके से इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट प्ले करते हैं अपने जीवन में। बाहर आना जल्दी जल्दी इन लोगों को पसंद नहीं होता है, बोर्डम की तरफ भी ये लोग, आइसोलेशन की तरफ भी ये लोग ज़्यादा रहते हुए देखे जाते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा लोगों को। ये सब इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, जो इन लोगों को सामने आती हैं जीवन में, और जो इनको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जबकि इनके पास पहले की पावर, समझदारी, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये नेचर को, इन्वायरमेंट को, अपने अगल बगल के लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, वो भय, वो डर अगर वो दूर कर पाए बाहर के प्रेशर्स का, अपने अंदर के कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है किसी प्रकार का लोगों से मिलने जुलने में, ये चीज़ों के, तब उससे अगर ये लोग बाहर निकल पाएँ तो फिर इनके जैसा काम करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हर प्रकार से ये जो हैं डिटेल्ड वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्क करते हैं, हर प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, काम की अच्छी समझ होती है, लोगों की, समाज की बहुत अच्छी समझ होती है, और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किसी प्रकार की लिमिटेशंस होती हैं ये जो इनके ऊपर जीवन में, कई बार खुद सेल्फ इम्पोज्ड होती हैं अपने ऊपर, ये लोग जैसे खुद डाल लेते हैं। अच्छा, दो तरीके से इन लोगों को लड़ाई करनी पड़ती है, एक तो अपने अंदर के प्रॉब्लम से, फियर्स से, कंफ्यूजन से, अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं जो ये लोग हर प्रकार कॉन्फिडेंट होते हैं उसकी वजह से, और बाहर के जो एक्सटर्नल प्रेशर्स इन लोगों के ऊपर आ रहे होते हैं, तो दोनों तरफ से इन लोगों को काम करना पड़ जाता है। लेकिन अगर सैटर्न के मार्ग पे, जो डिसिप्लिन का मार्ग है, जो नॉन अटैचमेंट का भी मार्ग है, हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझदारी से लेके अपने कर्तव्य को पूरा करने का मार्ग है सैटर्न का, अगर ये वो समझ लेते हैं फिर इनको बहुत हर प्रकार का जो है, हर प्रकार की काम करने की हर प्रकार की कैपेसिटी इन लोगों को प्राप्त हो जाती है। हार्ड वर्कर्स बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, हार्ड वर्क ज़रूरी भी है इन लोगों के लिए, और सैटर्न की एक क्वालिटी भी है, अगर उस क्वालिटी पे चलते हैं तो फिर इनको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और फिर जो इनकी पुरानी मेमोरीज हैं, पुराना पास्ट है, जो इनके अंदर ज्ञान है, समझ है,
फिर वो एकदम से ब्लॉसम होती है और इन लोगों को अपने कामों में, जीवन जीने में, हर प्रकार का काम आगे हाथ में पकड़ के सक्सेस की तरफ जाने में, गोल की तरफ जाने में इन लोगों को तब ज़्यादा मदद करती है। तो इन लोगों को सैटर्न की जो क्वालिटीज़ हैं, जो सुंदर क्वालिटीज़ हैं, एक डेडिकेशन, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंटिन्यूस वर्क, पेशेंस होना, ये अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये अपनाएंगे वो मैच्योरिटी आएगी, तो हर प्रकार का एक इनके जीवन से जो डर है, भय है, कन्फ्यूजन्स हैं, लोगों से बाहर एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, वो आराम से झेल पाएंगे। अन्यथा इन लोग बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन्स में रहते हैं अपने जीवन में, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, पीछे रह जाते हैं, कई प्रकार की लिमिटेशंस में खुद को बांध लेते हैं। ये इन लोगों को लगता है अवश्य जब वक्री शनि होता है कि कोई बाहरी ताकत, कोई सुपर नेचुरल पावर है, भगवान है, प्रभु हैं, भाग्य हैं, इनको कोई सहारा देगा, इनका साथ देगा। ऐसा होता देखा भी जाता है इन लोगों के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किसी न किसी प्रकार का स्पिरिचुअल पाथ ये लोग चल के आए होते हैं अपने पहले लाइफ में, तो वो अब जर्नी इन लोग को आगे कंटिन्यू करनी होती है, तो अवश्य जो है इन लोगों को उस चीज़ का सहारा भी होता है, उस तरफ ये लोग बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और मैंने इनके कहा, आपको बताया भी था कि इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ, थोड़े स्पिरिचुअल लोगों के साथ ये थोड़ा अपने आप को ज़्यादा कम्फर्टेबल महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस लेवल पर इन लोगों को कभी हार नहीं माननी चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। डर, भय, लोगों के सामने ना जा पाना कि उनके बारे में क्या सोचेंगे, इनके दो चेहरे हैं, लोगों वो खुद तो एक चेहरा दिखाते हैं कि कोई चीज़ उनको शॉक नहीं कर सकती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डरे, भय, सहमे, कई बार इस तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, फ्यूचर के बारे में परेशान, कन्फ्यूज्ड, दो स्टेट ऑफ माइंड, तो एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से कभी कभार टूट जाते हैं ये लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है, जीवन के एम्बिशंस इनके खो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों से, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इनसे निपटते इस पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन लोगों को उस पर काम करना पड़ता है। लीगल मैटर्स में कभी कभार ये लोग फंसते हुए देखे जाते हैं, या डिले होता है इनके कामों में, बहुत ज़्यादा डिले होता है। मैंने पहले भी कहा कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए। और जो ये एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, कई बार कई प्रकार के भय हैं, फोबिया हैं, डर हैं इन लोगों के अंदर, फिर बना देते हैं कि भाई इस तरीके से काम करना, और फिर जो इनका नेचर है वो बिगड़ जाता है, कई बार लोगों से ना मिलना, कई चीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से, फिर लोग कई बार इनको एरोगेंट भी समझने लग जाते हैं। इनको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इनके अगल बगल वाले लोग ही इनको नहीं समझ पाते हैं। कई बार ये अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, किताबों में, इंटेलेक्चुअलिटी में, हर प्रकार की, आप ये समझ लीजिए ज्ञान से, ये लोग, इन लोगों का पोषण होता है, इन लोगों को एनर्जी मिलती है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो चीज़ें हुई हैं, जो गलत काम हुए हैं उससे सीखना इन लोगों को चाहिए, उससे फिर वो लोग आगे अपनी रास्ता तय कर सकते हैं जीवन में। किसी भी प्रकार के, अपने अंदर मैं कह रहा हूँ, अपने कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल, किसी भी चीज़ पे भय, बाहर की प्रॉब्लम, परेशानियाँ, कठिनाइयों को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, नहीं तो ये रेट्रोग्रेड सैटर्न जो है आपको आपके गोल से, आपके एम्बिशन से, सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रखेगा। तो इसलिए किसी भी प्रकार का जो है शाई नेचर हो, इंट्रोवर्ट नेचर हो, आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, इन सब चीज़ों को दूर करके रखना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अपने अधिकारियों से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए आप लोगों को, या जो भी बड़े लोग हैं जिनकी तब आप बात पहुंचाना चाहते हैं, अवश्य पहुंचाइए, डरिए नहीं। ये लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं बड़े तक की, और अंदर ही अंदर उस चीज़ को अपने रखे रहते हैं जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है। तो वही मैंने आपको बताया, पास्ट एक्सपीरियंस से इन लोगों को सीखना चाहिए कि एक जो है वो टॉकिंग टर्म्स पे आना चाहिए अपने अधिकारियों के साथ, या जो भी इनके सीनियर्स हैं आपके, तो उससे पता चलेगा उनको कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या हैं। और साथ वालों के साथ भी देखिए, आप समन्वय बना के रखिए, ये नहीं है कि मेंटल स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और कोई अलग टाइप की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं अपने दफ्तर में या काम करने में, तो उसमें दिमाग लगा रहे हैं, उसमें दिमाग कतई ना लगाइए, अपने रिश्ते सुधारिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और जब देखिए सैटर्न जो है बेनिफिक हो पत्रिका में, और रेट्रोग्रेड हो, जैसे कि जो शुभ लगन है जैसे उसके लिए तुला लगन है,
वृष लगन है, वहाँ पे योग कारक होता है, एग्जॉल्टेड हो किसी प्रकार का जो सैटर्न है अपनी राशि में बैठा हुआ हो, और तब जाके अगर वो बेनिफिक हो, मेरा कहने का मतलब है किसी के लगन के लिए, और उसके बाद वो रेट्रोग्रेड भी हो, तब थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है इन चीज़ों की, फिर उसमें उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ ज़्यादा दिखाई देने लग जाती हैं, कई प्रकार की दूसरों के ऊपर रोब जमाना, ईगो, मटीरियल चीज़ें और चाहना हमेशा मोर और मोर, उनको नहीं मालूम है कहाँ रुकना है कहाँ ठहरना है, ये चीज़ें फिर उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, एरोगेंस, रूडनेस, ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल के आने लग जाती हैं, तो उस पर भी उन लोगों को देखिए काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो पास्ट लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस उनको करने पड़े होते हैं, काफ़ी उस समय भी द्वंद्व रहता है, तो वो विजडम, मैच्योरिटी, सिंसेरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की उन लोगों के अंदर आदत होती है इस समय, अब उसको इस जीवन में लागू करना, उसको आगे बढ़ाना अपने गोल के लिए वो आवश्यक और ज़रूरी हो जाता है। अब जिस घर पे भी बैठे होते हैं वो बताता है कि ये वो वाला एरिया है जहाँ पे वो इग्नोर करते रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को पहले, या वहाँ पे कम कर पाए हैं काम, इसलिए अब वो एरिया ऑफ फंक्शनिंग होगा। हाँ, इन्वायरमेंट और फिर आपको चीज़ें अलग मिलेंगी, उससे आपको अवश्य फेस करना पड़ेगा, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, कुछ डर, कुछ भय, कोई अंडर कॉन्फिडेंस पना, लोगों से बातचीत, आइसोलेशन, ये सब चीज़ें आपको आज भी देखी देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो पुरानी समझ, पुराना ज्ञान आपके पास है, जब आप उसको उजागर करेंगे, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, तब आप जिस घर में भी शनि बैठा होगा, उदाहरण के तौर पे अगर वो 9th हाउस में रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब है कि कोई आपका पिछले समय में जो है अथॉरिटीज से, ज्ञान से, स्पिरिचुअलिटी से, फादर से, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, अब आप लोगों को उस पर ज़्यादा काम करना है इस जीवन में, आपको देखेंगे 4th हाउस में है तो अपने फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा जो है आपको उस पर काम करना पड़ेगा, या आप इग्नोर करते रहे हों अपने पहले के जीवन में, मदर के साथ अपने रिलेशंस को लेके आपको अब की बार पहले से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो आपको एक्सपीरियंस होता भी होगा, हो भी रहा होगा, तो वही समझदारी, वही ज्ञान जो आप पहले से करते हुए आए हैं और किसी प्रकार का आपको जो है वो उस समय सक्सेस नहीं मिला, अब उन चीज़ों को लेके आज चीज़ों को जो जिस घर में भी शनि बैठा है वो अप्लाई करके रूल्स उसको आगे बढ़ाइए, डर भय ये सब चीज़ों को पीछे छोड़िए, कॉन्फिडेंस होना, हार्ड वर्क करना, धीरज रखना, लोगों के साथ समन्वय, लगातार काम करते रहना, आपको जो पेशेंस से मतलब कहने का मतलब है वो काम करते रहना, बिना भय के, बिना डर के लोगों से जाके बाहर मिलना, एक अपनी पर्सनालिटी चेंज करना, क्योंकि वो चीज़ आपको रोकी रहती है, वो डर भय लोगों से मिलना, एक आइसोलेशन, ये चीज़ें देखिए आपके साथ चलती रहती हैं, ये आपको बदलनी पड़ेंगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं, आपके समझदारी है, ज्ञान है, आपको अपने गोल्स की तरफ भी लेके जाएगी, अधूरे कामों को भी ये सैटर्न पूरा कराएगा, जहां आप अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर करते रहे हैं या अपने आप को कम आंकते रहे हैं उसमें भी ये पूर्ति करेगा, अगर इस रेट्रोग्रेड सैटर्न को आप समझ के उसके हिसाब से काम कर पाए, नहीं तो फिर भी बहुत ज़्यादा जो है ये हॉचपॉच और डाइवर्जन दे सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी में, अब अंत में, कि जब किसी की पत्रिका में सैटर्न रेट्रोग्रेड है या नहीं है, लेकिन ट्रांजिट के दौरान, गोचर के दौरान जब शनि वक्री हो जाते हैं तब किस प्रकार के वो फल प्रदान करते हैं, या हमेशा हमको उन बातों की प्रति सचेत रहना पड़ेगा। देखिए, रिलेशनशिप्स और इंडिविजुअलिटी में बहुत ज़्यादा एकदम से फर्क आ जाएगा जब शनि जो है रेट्रोग्रेड होता है, तुरंत आपको अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग, थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, धीरज, पेशेंस आपको तुरंत लाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं, लंबे समय के लिए काम करना, एक लॉन्ग प्लानिंग से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय में। ऐसे समय में कोई नए काम भी नहीं लेने चाहिए अपने हाथ में, कि नए काम ले रहे हैं जब सैटर्न रेट्रोग्रेड जिन दिनों चल रहा है, अगर पहले से आप उन चीज़ों में नहीं हैं तो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो कभी भी नया काम हाथ में मत लीजिए, जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे मेहनत से, ईमानदारी से,
एफर्ट डाल के अच्छी तरीके से करते रहिए, आपको उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर वो फंक्शनल बेनिफिक है आपके लिए, जैसे तुला लगन, वृष लगन, या किसी के लिए अगर वो मैलिफिक भी है फंक्शनल, जैसे कि सिंह लगन हो गया या कर्क लगन हो गया, इस समय दोनों की जो है वो उनके काम करने का तरीका बदल जाएगा। जब गोचर में सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड होंगे, हो सकता है तुला लगन वालों के लिए जो बेनिफिक सैटर्न है वो विपरीत काम करने लग जाएं, और जो सिंह लगन या कर्क लगन है जिनके लिए शनि खराब होते हैं, जब वो वक्री हों गोचर में, तो उन लोगों को सडनली जो है सुंदर फल प्राप्त होने लग जाएं, उनको देने लग जाएं। तो ये स्टाइल ऑफ वर्किंग में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इस जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, इस बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। ये ना सोचिए कि तुला लगन है, शनि वक्री हुए हैं तो हमको शुभ फल ही प्रदान करेंगे, नहीं, आपको वो एकदम से जो है शॉक कर सकते हैं। चीज़ों के प्रति आपको सचेत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना, पेशेंस से काम करना, धीरज से काम करना सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जिनकी पत्रिका में अगर वो मैलिफिक हैं, जैसे कर्क लगन और सिंह लगन मैंने आपको उदाहरण दिया है, वो ये ना सोचें कि उनके लिए खराब होगा, उनके लिए अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा फल प्रदान भी कर सकते हैं शनि महाराज जब वक्री होते हैं जब गोचर में। तो इस समय जो है शनि महाराज जो है कई प्रकार की जो है सुंदर थॉट प्रोसेस दे सकते हैं, जब गोचर में जो ट्रांजिट में शनि वक्री होते हैं, जो बाद के फ्यूचर में बहुत सुंदर आपको आइडियाज़ वो काम कर सकते हैं, उनको अवश्य ध्यान दीजिएगा। किसी की भी पत्रिका में शनि वक्री हैं या नहीं है, लेकिन जब ट्रांजिट में वो वक्री होते हैं, तो ये याद रखिए कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा आइडिया दे सकते हैं जो आपका जीवन पलट सकता है। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा अपने जीवन में। आपको अपनी वर्किंग स्टाइल पे थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। जब शनि वक्री होते हैं, कई कामों को आपको दोबारा से रीअश्योर होना पड़ेगा, कई काम आपको दोबारा से करने पड़ सकते हैं, यू हैव टू, कई काम आपको रीडू करने पड़ सकते हैं जब शनि वक्री होता है। तो इसलिए उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम की बात भी नहीं, क्योंकि हो सकता है वो बेटरमेंट के लिए हो, और अच्छा काम आपसे करवाना चाह रहे हों। ये शनि वक्री होता है तब ये भी सिचुएशन देखिए देता है, जब शनि मतलब गोचर में होते हैं तब। और अंत में एक आखिरी पॉइंट कि जब शनि वक्री होते हैं गोचर में, तो हो सकता है कि कोई अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हों जिनको छोड़ दिया गया हो, जो बंद हो गए हों, वो दोबारा से वापस आ जाएं। वो शायद कोई बात हो सकती है, कोई रिश्ते हो सकते हैं, कोई काम हो सकता है। जब शनि वक्री होते हैं गोचर में, सभी के लिए हो सकता है कि ये चीज़ वापस आ जाए, आपको वो काम दोबारा करना पड़े, अब मतलब आपको जो है वो बंद काम दोबारा से स्टार्ट हो जाए। कोई रिश्ते अगर ख़त्म हो गए, वो शायद दोबारा ओपनिंग पा जाए, वो खुलने के उस पे आ जाए। तो ये सुंदर अवसर भी प्रदान करता है, एक नई सोच, नई थॉट प्रोसेस देता है आप लोगों को, काम को एसेस करने का, आपका वर्किंग स्टाइल को करने का, कई चीज़ें दोबारा करने का मौका आपको देता है, जो आपके लिए अंततः बेनिफिट होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कोई क्वेश्चंस हो इस वीडियो पे तो अवश्य आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।